हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ इस वीडियो में मुझे बहुत ज़रूरी बातों का आपको जवाब देना है, क्योंकि बार बार मैं अपने ऊपर ये सब बातें नहीं ले सकती हूँ। तो विहान स्कूल चला गया था, पीछे से टाइम मिलता है घर का काम करने का, और मैं पार्क में बैठकर अभी वो वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो माफ़ कीजिएगा अगर छोटे बच्चों का पीछे से शोर आ रहा हो, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि घर पर कोई था भी नहीं। वीडियो में आगे पता चलेगा मम्मी चले गए थे बाहर, और फिर घर में बच्चे के साथ ना वीडियो की एडिटिंग में बड़ी दिक्कत होती है अकेले में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पार्क में दोपहर को ले आई विहान को, स्कूल से सीधा ले आई, साथ में खाने का एक डिब्बा ले गई थी। तो विहान अपना थोड़ा बहुत खिला के पार्क में ही, विहान बच्चे होते हैं यहाँ पार्क में तो झूला झूलता रहता है, खेलता रहता है, और मैं अपना बैठ के कोने में बैठ के अपना काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे बहुत, फिर वो घर पे नहीं हो पाता, क्योंकि घर पे तो फिर विहान को अपना मतलब आप समझ ही सकते हो 10 चक्करों में पड़ते हैं। इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ करती हूँ, सिंगल मदर हूँ तो मैनेज तो करना पड़ेगा, अपना काम भी देखना है, पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी होती है। लेकिन जब आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो आपको उनका जवाब देना ज़रूरी होता है। तो सुबह मेरा यही रूटीन रहता है, अपना बेड मैं 2 बार बनाती हूँ, एक बार तो अभी आप देख ही लीजिए, इस टाइम मैं अपना बिस्तरा ठीक करके ये ब्लैंकेट्स वगैरह तय करके लगा देती हूँ। अभी थोड़ी सी जैसे ही सर्दियाँ भी ख़त्म होएंगी ना, मैं ये सारे ब्लैंकेट्स ना पता करूँगी, ड्राई क्लीनिंग करवाऊँगी इस बार मैं, क्योंकि इनको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही बेड में रखूँगी पूरा, बाकी खुद से अगर मैं हल्का कंबल होगा तो वो तो मैं अपना वॉशिंग मशीन में ही धो दूँगी। और इनको एक जैसे छोटे कंबल होते हैं, जो भारी होते हैं कंबल, उनका देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपना थोड़ा अच्छे से प्रॉपर घर की साफ़ सफ़ाई करे जा रही थी, पीछे से स्टोर रूम की भी सफ़ाई करी, फिर आगे का भी किया। एक्चुअली अभी क्या है ना कि पूरे कमरों में ना कितनी भी सफाई कर लो, बाहर से जैसे गीले मिट्टी आई जाती है फ़िलहाल, क्योंकि चप्पल लेके आते हैं। तो आज थोड़ी सी ना ठंड अब कम है, अब उतनी ठंड मुझे तो नहीं लगती है, मेरे को नॉर्मल लग रही है अब जो ठंड है ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि सर्दियां है भी। पिछले 2-4 दिन में जैसे धूप हुई, अब आज तो बल्कि इतनी धूप भी नहीं निकली, तो हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, बट मुझे अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर का महीना हो। दिसंबर जनवरी वाली बात नहीं लग रही है, अब फरवरी वाली बात भी नहीं लग रही है अभी मुझे कि आगे फरवरी आएगा। अब आने वाले दिनों में जैसे मौसम अच्छी बात है, साफ़ होने लग रहा है, गर्मी कम हो जाएगी, और सुबह नाश्ते में मैं लेट ही खाना खाती हूँ अपना। अरे आपको मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को यूट्यूब के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता। मैं यूँ ही कहती हूँ कि हाँ मैं मोटी मतलब खाने का भी होश नहीं रहता। सुबह देखो मैंने एक बड़ा गिलास दूध का पी लिया था, उसमें अपना वो प्रोटीन शेक मिला के, उसके बाद उसे मैंने खाया क्या, 2-4 विहान को खिलाते खिलाते जैसे अंगूर अपने मुंह में डाल लिए, और तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है। और 3 बज चुके हैं, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। 3-4 बज जाते हैं, और सुबह मैं उठ भी गई थी 7:30 बजे तो उठ ही गई थी मैं आज सुबह। तो देखो ना, मतलब पूरा आधा दिन मैंने निकाल दिया, और मैंने सुबह 1 गिलास दूध में। तो यही होता है ना, जब आप काम में इतना व्यस्त हो ना, अपने काम काम में लगे हुए हो, कभी घर के काम, कभी अपना वीडियो का काम, तो आपको होश ही नहीं रहता खाने पीने का। मेरे साथ होता है ऐसा। अब जैसे विहान जब चला जाएगा ना ट्यूशन पे चला जाएगा, तब मेरे को लगता है अरे भूख लग रही है, अब कुछ खाना है। बाकी विहान का आज ना चने टिफ़िन में मैंने दिए थे, चावल दिए थे, साथ में काले चने होते हैं ना वो छोंक लगाए हुए, वो दिए थे। सुबह थोड़े से काले चने विहान को खिला के भेजा था, अब ये इसने खाया नहीं खाया, अभी मैंने टिफ़िन चेक नहीं किया। ये पीछे आप देख सकते हो सारा राशन रखा है मेरा, इसमें सामान अभी मेरा 2 महीने का राशन रखा हुआ है, मेरे पास करीबन अभी 6 किलो चावल रखा हुआ है। तो मम्मा बोल रहे थे कि ना निधि खिचड़ी का चावल मंगवा दे, तो खिचड़ी का चावल कौन सा चावल होता है, मैंने तो ब्रोकन राइस होता है ना जो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मैंने कहा वो मंगवा दूंगी, क्योंकि वो टूटा हुआ चावल ही होता है, और तो कोई स्पेशल चावल तो मुझे दिखा नहीं कोई खिचड़ी का अलग आता हो। बाकी अगली बार के लिए मैंने सोचा है मैं ना 3 तरीके के चावल मंगवाऊँगी, 5-5 किलो की 3 थैली मंगवाऊँगी। एक तो मैं मंगवाऊँगी इंडिया गेट जो लॉन्ग वाला जो राइस होता है, जो मतलब स्पेशल बिरयानी के लिए होता है। दूसरा मैं मंगवाऊँगी जो जैसे डेली आप खाते हो ना, जैसे नॉर्मल चावल तो मीडियम साइज़ का बासमती चावल आता है, मुझे वो भी मंगवाना है। और तीसरा मैं जैसे ये टूटा हुआ चावल होता है जो बिल्कुल सस्ता सा आता है, ब्रोकन राइस कहते हैं उसको, वो भी मैंने देखा है, बस वो मंगवाऊंगी, क्योंकि वो खिचड़ी में अच्छा डल जाता है, खिचड़ी में मोटा चावल सही नहीं जचता, और खिचड़ी अब बना ही लिया करेंगे।
तो काफ़ी कुछ मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है। जैसे ही राशन अभी तो नहीं मंगवाऊंगी, अप्रैल में मंगवाऊंगी, फरवरी मार्च, अभी तो मेरे ऊपर खर्चे भी बहुत सारे हैं। अभी जनवरी में सबसे ज़्यादा खर्चे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि इस महीने मेरे बहुत, एक तो 12,000 की तो अभी मेरा प्रॉपर्टी टैक्स जाना है, अभी देख लीजिए आप, मेरे को दोनों फ्लैट्स का भरना है, इसके अलावा मेंटेनेंस का भी, अरे बाप रे, मेरे को किस्त तो अभी भी भूल गई, मैं अभी जाऊंगी जाके, देखो यही काम हो जाता है ना, क्योंकि फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अब बीच में छुट्टी आ गई थी, आज जाके मेंटेनेंस जमा करवा के आती हूँ, हर महीने लेट हो जाता है ना, फिर फाइन लगता है। दोनों फ्लैट का मुझे 750 रुपये जमा करवाना ही होता है। तो ये देखो यहाँ से भी यही बात कह रही थी, यहाँ से पूरा ना, जैसे यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, हम जैसे कपड़े वगैरह हम बाथरूम में नहीं धोते हैं, क्योंकि बाथरूम छोटा है हमारा, हम यहाँ ये जो एरिया है ना आगे वाला हमारा फ्रंट, इसे हम वॉशिंग एरिया के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा फिर जैसे गीला हो जाता है तो अंदर भी थोड़ा सा आई हो ही जाता है गंदा भी। तो ये देखो ये सारा ना मैं यहाँ से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, देखो ये पहले हल्का हल्का झाड़ू भी लगा देती हूँ मैं, साथ के साथ ये वाइपर से भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। बाकी मैंने फिनाइल वगैरह खरीद रखी है। बच्चों 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 थोड़ा दूर होके खेलो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, शरारत नहीं करनी बेटा, प्यार से खेलते हैं आपस में, ठीक है, अच्छे से। हाँ जाओ जाओ, झूला झूलो झूला झूलो, ठीक है। हाँ तो ये देख लीजिए आप, इस पार्क में विहान को ले आई थी, और ऐसे ही होता है, देखिए आपसे बात जरूरी करनी थी मुझे, बार बार मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि निधि ने अपना घर तोड़ दिया, मायका तोड़ दिया इसने, क्योंकि अगर ये अपने पति के साथ रह रही होती तो माँ बाप मम्मी पापा परिवार पूरा एक साथ रह रहा होता। ये ना कमेंट मैं हर जगह देखती हूँ, जहाँ भी मैं कहीं भी अपने ऊपर कभी कहीं वीडियो देखती हूँ तो ये कमेंट ज़रूर आ रहा होता है कि हाँ तूने तोड़ दिया घर, तूने माँ को अपने साथ रख लिया, अब पापा को अलग कर दिया, बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ होता है, साथ में रहना चाहिए था। तो देखिए ऐसा मैंने नहीं किया है, मैंने कभी भी नहीं किया। एक बात बताऊँ, मैंने कभी नहीं बोला मेरी मम्मी को कि आप मेरे साथ रहो, मैंने तो हमेशा मम्मी को यही बोला है, पापा जी को, कि आप साथ में रहो, एक साथ रहो, और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि परिवार हमेशा एक रहो के रहे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अब मम्मी का ये है कि अब कुछ भी कह लो, अब वो कहते हैं कि मेरे को विहान में, विहान के बिना मेरा मन नहीं लगता, और मेरा एक भी दिन नहीं लगता है विहान के बिना। तो ये कारण मम्मा बताते हैं, बोलते हैं कि इसीलिए मैं तेरे साथ रहती हूँ, क्योंकि मुझे विहान से बहुत लगाव है, अटैचमेंट है, तो इसलिए ये बात है। तो देखिए इस तरीके से आप जो कमेंट करते हो ना, देखो बुरा लगता है, आप मुझे ऐसे मत बोला कीजिए, मैं तो कभी भी, मैं तो हमेशा ये सोच के चलती हूँ कि फैमिली हमेशा एक साथ रहे, परिवार हमेशा एक होके रहे, क्योंकि कहते नहीं एकता में बल है, जब केले ना एक गुच्छे में होते हैं ना तो वो कभी ख़राब नहीं होते, लेकिन जब आप गुच्छे से अलग कर करके अलग अलग कर दो केलों को तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही जो लकड़ियों का लट्ठा होता है, कहते नहीं है कि वो एक इकट्ठा होता है तो वो नहीं टूटता, और छोटी छोटी लकड़ियाँ अलग अलग जल्दी टूट जाती हैं। तो यहाँ बेटा बचा लिया, जाओ, हाँ नहीं मालेगा, जाओ बेटा खेलो। तो यहाँ पे देखो मैंने बालों में कंघी भी यहीं आके करी है, 3 दिन बाद मैंने बालों में कंघी करी है, मेरे को सच में 3 दिन से मेरे को बिल्कुल भी ऐसे हो रखा था पूरा कि कंघी नहीं करी मैंने। तो यहाँ पे मैं पार्क में आई थी तो मैंने कहा चलो मैं बालों में कोम कर लूँगी, इतने भी हाथ थोड़ा प्ले करेगा, बाकी वरना अदरवाइज आप समझ ही सकते हो घर में इतने काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे बाल मैंने अच्छे से पूरे कंघी कोम कर लिए थे, ज़्यादा नहीं टूटे मेरे, अब बाल नहीं टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों, अभी शायद ना जैसे सीज़न जब शुरू होता है सर्दियों की शुरुआत तब बाल ज़्यादा झड़ते हैं, अभी या तो मैं थोड़ा प्रोटीन वगैरह का दूध ले रही हूँ पिछले 1-1.5 महीने से, होता है ना कि न्यूट्रिशन मिल जाता है शरीर को तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रह जाती है शरीर में, कुछ होता है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे बाल ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, हेयर फॉल मेरा नहीं हो रहा है, बाकी शैम्पू भी चेंज किया है मैंने, फ़िलहाल मैंने ममा अर्थ का यूज़ करना शुरू किया है पिछले 1-1.5 महीने से, तो मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है, हो सकता है उसकी वजह से हो, बाकी शैम्पू का भी पता नहीं, का बाकी ऑयलिंग वगैरह होता है वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये देखिए बाकी बाल आप लोग कहते ही हो कि लंबे हैं मत कटवाना, तो मैं नहीं कटवाऊँगी बाल, मैंने पता है पिछले 5 सालों से बाल नहीं कटवाए हैं, 5 से भी ज़्यादा ही हो गया। देख लो मैंने, मेरी शादी थी ना, मैंने शादी से 6 महीने पहले अपने हेयर कट करवाया था, और मेरी शादी को ही 7 कितना साल हो गए, देख लो 6 साल हो चुके हैं, देखो तो 6 सालों से मैंने अपने बालों में, मैं कभी पार्लर नहीं गई, कोई हेयर नहीं गई थी, याद आया, बस मैंने फ्रंट करवाया था, थोड़े बाल सेट करवाए थे एक बार आज से 2-2.5 साल पहले ना, थोड़े नीचे से बराबर करवाए थे,
हाँ याद आ गया, करवाए थे बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं कटवाती, या कोई प्रॉपर हेयर कट नहीं लिया मैंने कभी भी, बस ऐसे ही रखती हूँ बाल, सिंपल से है ना, कोई हेयर को हेयर स्टाइल है, बस अपने बाल बांध लेती हूँ रबड़ से। और ये देखो ठंड ठंड है तो देखो कानों में तो टोपा अभी भी मुझे लगा के रखना ही पड़ेगा ताकि सर्दी से अच्छे से मेरा बचाव। इधर आप ध्यान से देखिए, मेरी मम्मी आपको नज़र आ जाएंगी, उन्होंने चाबी, वो मेरे को ढूंढते ढूंढते उनको पता होता है कि इस टाइम निधि इसी पार्क में बैठती है विहान को लेके, और मैंने बोला भी था कि मम्मी मैं पार्क में बैठूंगी, मैं थोड़ा लेट आऊंगी, तो मम्मी यहाँ पे चाबी दे दी विहान को मेरे घर में ताला लगा के, क्योंकि वो बाज़ार की तरफ चले गए और विहान आ रहा है सामने से, चाबी लेके लो मम्मा चाबी ले लो, और जैसे ही मैं पकड़ने लगी देखो पीछे की तरफ फेंक दी, ऐसे मेरे साथ शरारत करता है, और फिर मैं उठाने लगी तो और आगे फेंक दी। तो ये चाबी मैं संभाल के रख लेती हूँ वरना ताला मुझे तोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही चाबी रह रही है इस ताले की। तो इसको फटाफट इसको अपनी जैकेट में रख लेती हूँ मैं, और चलो आपसे बात करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो बच्चे बाहर खेल रहे हैं इधर पार्क में, और धूप लगी हुई है, और ये देखो आप रिहान अपना टोपा अपनी जैकेट, ये मेरा ट्राईपोड, ये देखो भैया ट्राईपोड हाथ में लेके और अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा है, आदत ही छूट गई है बिल्कुल ट्राईपोड में लगा के आप लोगों से बात करने की। और अभी 3:15 बज गए, अब मैं फटाफट घर की तरफ जाती हूँ क्योंकि 4 बजे रिहान को ट्यूशन छोड़ना है मुझे। ऐसे ही रहता है पूरा दिन, इधर उधर भटकती रहती हूँ, काम ही इतने हो जाते हैं ना। तो उसके बाद रिहान को कुछ खिला दूँ, थोड़ा बहुत अंगूर खाया था इसने, बाकी अब खाना तो खिलाऊँगी ना, प्रॉपर खाना खिला के ट्यूशन भेजूँगी, क्योंकि फिर 2 घंटे ये ट्यूशन पे रहेगा। उसके बाद फिर अपना जो भी काम है अपना कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है जी, आप सब मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली हो, आप लोगों के बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता, आप लोगों के साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेती हूँ, अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, तो लगता है कि कोई है मेरा अपना। बस आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ रात को सोने से पहले ना, ज़रूर आप मैं अपना कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ आराम से बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार दीजिए मेरी वीडियोस को, सपोर्ट कीजिए, और जितने हो सके कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और हिम्मत मिलती है आप सबके कमेंट्स पढ़ के कि हाँ आप लोग सच में मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।